दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अभी जैसलमेर में हैं और ये आप देख पा रहे हैं जैसलमेर का फोर्ट, उसके बाहर पार्किंग में मैं खड़ा हूँ। जैसलमेर के फोर्ट के चारों तरफ रास्ता है, आपको पता होगा ये रोड जो जा रही है और ये जैसे ऑटो जा रहा है, ये पूरा चारों तरफ एक चक्कर लगा के और वापस यहीं इधर से आ सकता है या इधर से जाके इधर से आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे होटल की, यदि हमें जैसलमेर में रुकना हो तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है। और आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है, उनके भी कई नाम लगते हैं मेरे को, यहाँ पे लिखा है रासलीला होटल एंड कैफे। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इस होटल की मिलने वाली है। तो आइए आगे चलते हैं। और यदि हम यहाँ से देखें इस होटल को, तो आप ये देखें, ये आपको इंटरनेट पे नाम मिल जाएगा इसका, अच्छा एक स्टे हो सकता है आपका यदि आप जैसलमेर आते हैं तो। आइए अंदर आपको मैं दिखाता हूँ पूरा, और मैनेजमेंट के कोई साथी हैं तो उनसे भी आपको मिलाता हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखें। आइए अंदर चलते हैं। ये बाहर गार्डन का व्यू आपको दिख रहा है, अंदर चलते हैं। ये एंट्री का गेट है और ये मैंने आपको जो जूम करके दिखाया वो नाम का बोर्ड, ये इसका एंट्री का गेट। और ये यहाँ पर सामने कैफेटेरिया भी है यहाँ पर अंदर ही। आइए अंदर चलते हैं। और आइए अभी मैं आपको बाजार रुका हूँ वो दिखा देता हूँ। 110 नंबर ये डॉर्मेट्री है, आप देखें तो इसमें 6 बेड लगे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इधर और ऐसे ही उधर सामने। इस तरह से ये आपको 350-400 में ये एक बेड के साथ में नीचे ये आपको मिल जाता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्त होती है, तो इसमें जो भी इनकी जो कंडीशन है हॉस्टल की जो होती है वो यहाँ पर आपको मेंटेन करनी है। ये आप देख सकते हैं कि डोम के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसे आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मिलके यहाँ पे रहते हैं। ये पूरा यहाँ का रूम का मैंने आपको दिखाया। नमस्कार भैया, आपका नाम? प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला जी, कहाँ से आप हैं? ओके ओके ग्रेट। तो आप यहाँ रुके हुए हैं, जैसे ये आपका लैपटॉप और ये आपका बेड था, आपको कैसा लगा यहाँ रुके, कैसा लगा? और ये खास करके ये हॉस्टल कैसा लगा? हॉस्टल में मतलब फैसिलिटीज तो आपको प्रोवाइड करते हैं, वॉशरूम है ये अच्छे से, खाने को भी मिल जाता है आसपास में, मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सही लोकेशन पे हॉस्टल है ये? हाँ सही लोकेशन पे हॉस्टल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके अगले ट्रिप के लिए, आपके सफ़र के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, आपने बात किया, धन्यवाद। ये पूरा राजस्थानी लुक दिया हुआ है होटल को और बहुत ही प्यारी प्यारी है, देखिए फोटो है यहाँ पे। अंदर चल के हम देखें तो ये देखें राजसी पूरा बनाया हुआ है, लकड़ी का अच्छा काम है। और ये बीच में जो राजस्थानी स्टाइल पूरा खुद से लगा हुआ है, लाल टेन, ये सब यहाँ पर हिसाब किताब जो था पहले का वो सब दिखाया गया है। और ये यहाँ के देखें गेट,
ये रूम के गेट और ये बड़े बड़े बर्तन जो पहले यूज होते थे वो सब, ये छतरी यहाँ की, चरखा जिसे बोलते थे, और ये पूरा इसका हिसाब किताब आप देखें। और ये इनका अलग अलग जगह पे जो है वो दिखाया गया है। ये जैसलमेर का महल है, ये जोधपुर में है, ये जयपुर में है, खजुराहो है, उदयपुर है, मनाली में है, कसोल है, पुष्कर में है, काजा स्पीति में है, आगरा में है, और जिस्पा लाहौल स्पीति में है, और ये ऋषिकेश में है। ये इनके जहाँ जहाँ ब्रांच है या जहाँ जहाँ इनकी सर्विस है वो दिखाई गई है। और ये करसन जी, ये पूरा हिसाब किताब है। और ये यहाँ प्राइस दे रखा है, लॉन्ड्री का जो भी है, कार्ड पेमेंट, ट्रांसपोर्ट का, चेक इन चेक आउट का, कहाँ कहाँ से क्या ले सकते हैं, टावल जो भी आपको, ये यहाँ दिखा रखा। और ये यहाँ का रिसेप्शन है, मैं अभी आपको यहाँ के भाई साहब से मिलाता हूँ। और ये यहाँ के आप यहाँ पर आराम से बैठ करके चिल कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठने की जगह है। आइए मिलते हैं। तो ये भाई यहाँ पर हैं, आपका नाम बताएं। जमशेद। आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये थैंक यू आपने ये बोला। और यहाँ इस होटल के बारे में हमें थोड़ा सा बात बताएं, कैसा होटल है ये, क्या मतलब कितने कमरे हैं इसमें? इसमें टोटल 12 रूम्स है, जिसमें 12 तो टोटल अपने 16 रूम है, जिसमें 12 जो प्राइवेट रूम्स बने हुए हैं, बाकी 4 डॉर्मेट्रीज। ओके, 4 डॉर्मेट्री है। एक डॉर्मेट्री में 6 बेड का है। ओके, ये पहले क्या पूरा हवेली था। ओ, म्यूजिक बंद कर देगा। ये पहले क्या पूरा अपना हवेली था, हवेली को मॉडिफाई करके हॉस्टल में किया गया, हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया। और इसमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो पहले पूरा फैमिली रहता था, फिर इसको मॉडिफाई किया, हवेली को इसमें को कन्वर्ट किया है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ रेंट वगैरह क्या है, मतलब अलग अलग रूम के क्या रेंट आप चार्ज करते हैं? पर डे के वो डिसाइड करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि ये मुस्ताद को प्राइस अपडेट करते हैं। ओके, वो आपको जैसे आज का प्राइस अलग अलग रहता है, कल भी अलग रहेगा वो, तो वो ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन जो मुस्ताद की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको प्राइजेस वगैरह सब ऑनलाइन मिल जाते हैं। वैसे नॉर्मली कोई जैसे बात करना चाहे तो क्या रेट? अभी तो इस टाइम पर 350-400 अभी ये प्राइस चल रहे हैं, बट जैसे नवंबर दिसंबर में थोड़ा प्राइस हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम क्राउड भी होता है और तो उस टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो है प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी और क्या सर्विस देते हैं यहाँ पे? घर की तरह ही आपको फील होगा, घर की तरह ही लगेगा। ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने देखा यहाँ का पूरा हिसाब किताब, पूरा मैंने डिटेल आपको दिया है। कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।